चलिए सीधे रुख करते हैं विधान परिषद का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, विधान परिषद की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे यहां पर उत्तर देने के लिए इस समय प्रदान किया है। मैं आभारी हूं नेता विरोधी दल का और सभी दलीय नेताओं के साथ साथ सभी मान्य सदस्यों का जिन्होंने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपनी बातों को सदन में रखा। संसदीय लोकतंत्र की परिपाटी रही है और संसदीय लोकतंत्र की परिपाटी की समृद्ध परंपराओं का हम पालन करते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में संसद के सत्र का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अभिभाषण के माध्यम से और किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्रवाई को श्री राज्यपाल के भाषण के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जी देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते व्यक्ति नहीं होता, अपने आप में संस्था है। लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिनके मन में भी सम्मान का भाव है, एक आस्था का भाव है, उन सबका दायित्व बनता है कि वे लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए इन संस्थाओं का पूरा सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव रखें और न केवल रखें बल्कि अन्यों को भी उसके लिए प्रेरित करें। प्रदेश के अंदर राज्यपाल की भी यही भूमिका है। राज्यपाल की जो संस्था है उनके प्रति सम्मान का भाव रखना और उस संस्था के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और प्रकृष्ट करना, यह हर नागरिक का दायित्व है, कम से कम राजनीतिक दलों से तो उम्मीद की ही जाती है। विधानसभा में विधान परिषद उनके सभी सदस्यों से इस प्रकार के आचरण की उम्मीद की जाती है। विधानमंडल के समय सदन को माननीय राज्यपाल जी ने अपना भाषण दिया और फिर उसमें जो आचरण देखने को मिला इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अच्छी चीजें सीखी जाती हैं, अच्छी चीजों को स्वीकारा जाता है, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर
उल्टा देखने को मिलता है। अच्छी चीजों को छोड़ा जाता है और बुरी चीजों को परिपाटी मान करके और बुरा कैसे किया जा सके इसकी प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है। लोकतंत्र के लिए भी और साथ साथ सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए ना लोकतंत्र मजबूत होने वाला है और न ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब भी विश्वसनीयता के संकट से गुजरते हैं। उनके सामने अपनी विश्वसनीयता को प्रस्तुत करने का एक संकट खड़ा होता है। लोग अपने संदेह की नजरों से इसीलिए देखते हैं। अगर किसी को गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से सदनों में चिल्लाएगा या जितनी उच्छृंखलता कर लेगा, इसके लिए उसकी तारीफ हो, मुझे लगता है उनकी गलतफहमी है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लेती। और ये तो हम सबका दायित्व बनता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उसको फॉलो करे, उसका अनुसरण करे और फिर उस अच्छाई के मार्ग पर जाने के लिए हर एक नागरिक प्रेरित हो। आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद वही धीरे धीरे करके उसमें क्षरण होता गया। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वही शब्द अपमानजनक प्रतीक होने लग गया? हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और उस दिन भी जो चीज देखने को मिली, एक तो राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहां देखने को मिला, दूसरा एक महिला के प्रति जो व्यवहार था, खैर नेता विरोधी दल को छोड़ दे तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराने इतिहास भी रहा है महिलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता? इतिहास तो बहुत ही इन लोगों का जो इतिहास रहे हैं उसको देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को जानता कि कैसे कैसे गिरते हुए हैं। लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस को इससे बचे रहना चाहिए। लेकिन समेत सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार उन सबको देखने को मिला। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधायिका इससे मजबूत नहीं होती है। और अगर इस प्रकार की गलत परंपराओं को हम सदन का या विधायिका का हिस्सा बनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न जनता का और न ही किसी राजनीतिक दल का। लेकिन अच्छी बात है, स्वभाव की बात है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ अब उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें, सही तथ्यों को बताने का प्रयास करें, वो समझेंगे नहीं। मैं परसों भी यहां पर सदन में आया था, प्रश्नकाल में आया था और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर मैं देखता कि मान्य सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे थे। ठीक बात है, जिज्ञासा है,
जब आएंगे अपनी बात रखेंगे। जनप्रतिनिधि है, उनके पास जनता आती है, जनता जिस रूप में अपनी बात को रखती है उसकी उसका परीक्षण किए बगैर जब हम उसकी बात को रखने लगते हैं तो लोग फिर हमारी योग्यता पर भी प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। और खासतौर पर यहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में भी जो चर्चाएं चली थी, वैश्विक महामारी कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। मौलिक त्रासदी की स्थिति किस रूप में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने 135 करोड़ की आबादी के देश को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने दो स्वदेशी वैक्सीन दिए हैं, बल्कि अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन आपूर्ति की कार्रवाई भारत के द्वारा तेजी के साथ की जा रही है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने वैज्ञानिकों का, इस उपलब्धि को बहुत अच्छे ढंग से पुरस्कृत किया। दो नए वैक्सीन भी आने वाले हैं, यानी पहला देश भारत होगा जो चार चार वैक्सीन दे रहा है। देश में अंतर नहीं होता है, आखिर यही देश था, लेकिन नेतृत्व बदल जाता है तो कैसे नेतृत्व देश की तकदीर को बदल देता है। और ये बात आज से 5000 वर्ष पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से भी कहा था, तो वो सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर उनके पास गए कि पितामह को तो बताइए क्योंकि आपके साथ एक पूरी विरासत समाप्त हो जाएगी, आखिर क्या है। उन्होंने एक बात कही थी, राजा कालस्य कालम, पूरा श्लोक है ये, शांति पर्व का है, बकरिया भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ लेना, पढ़ने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा था कालो व कारणम राज्यो, राजा व काल कारणम इति ते संशयो माभूत, राजा कालस्य कारणम। यानी क्या परिस्थितियां अपने अनुकूल राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, या कि राजा अपने समय की परिस्थितियों के रूप का निर्माण करता है। एक दुष्ट इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजा ही अपने समय की परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने समय के स्वरूप का निर्धारण करता है, अपने समय का निर्माता होता है। राजा परिस्थितियों का परिणाम नहीं और उसका निर्माता होता है।